हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा जानकारी देने जा रहा है जिससे आपको हेल्प होगा कि वाटर प्यूरीफायर कैसे चुनना चाहिए। जब भी हम एक अच्छा वाटर प्यूरीफायर परचेज करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल गुरु के साथ जाते हैं। गूगल गुरु में जाके पूछते हैं कि इंडिया में सबसे अच्छा वाटर प्यूरीफायर कौन सा है। ठीक है ना, ये देखिए, वाटर प्यूरीफायर, बेस्ट वाटर प्यूरीफायर इन इंडिया। ओके, सो जैसे हम टाइप करते हैं तो इसमें आप ये चीज़ समझ लीजिए, गूगल क्या दिखाता है आपको। सबसे पहले आपको टॉप में आएगा स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट। ये सब जो है ना, स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट होता है। ये स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट है, इसका मतलब रहता है कि गूगल इसके लिए पैसा लेता है। ठीक है, उसके बाद में ये सब एडवर्टाइजमेंट। अभी वाटर प्यूरीफायर, बेस्ट वाटर प्यूरीफायर इन इंडिया, बेस्ट वाटर प्यूरीफायर इन इंडिया 2020 डालो या लेटेस्ट ऐसा डाल दो चलेगा। ठीक है, जैसे ही हम ये डालते हैं तो आपको ये नीचे लिस्ट आ जाता है। ये देखिए, समरी विथ वाटर प्यूरीफायर प्राइस लिस्ट ऐसा आता है, और नीचे कोई कोई आर्टिकल लिखा रहता है, आर्टिकल आता है, और आप ऐसे नीचे सर्च करते रहेंगे। सभी लोगों ने कोई 5 बेस्ट लिखा रहता है, कोई 12 बेस्ट लिखा रहता है, कोई 10 बेस्ट लिखा रहता है, तो ऐसा आता है। तो आप इसमें जो भी ऐड लिखा रहता है, तो ऐड का मतलब ये होता है कि वो लोगों ने पैसा देकर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो ये सब समझ के अगर आप अच्छा वाटर प्यूरीफायर लेने जा रहा है तो आप समझ लीजिए आप सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप समझ, मैं समझता हूँ कि गूगल सभी आपको सही चीज़ें बताती है। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये लिंक क्लिक करते हैं जो सबसे टॉप में आ रहा है। ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि टॉप 10 बेस्ट वाटर प्यूरीफायर्स इन इंडिया 2021। ओके, अभी इनका टॉप पिक है कास्ट बेस के ऊपर, बेस्ट ओवरऑल, बेस्ट बजट, बेस्ट एफिशिएंट, ऐसा बोल के ये लोगों ने डाला है। बेस्ट ओवरऑल प्रोडक्ट एक ब्रांड दे दिया, बेस्ट बजट में एक ब्रांड दे दिया, बेस्ट एफिशिएंट पे एक ब्रांड दे दिया। अभी हम, आप क्या ढूंढ रहे हैं, बेस्ट वाटर प्यूरीफायर पर होम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने लिख दिया कि ये सब 10 ही जो प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है सभी बेस्ट वाटर प्यूरीफायर है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, अभी वो लोग और नीचे ये भी लिखते हैं कि हाउ टू पिक द बेस्ट वाटर प्यूरीफायर। इन्होंने लिखा है कि वाटर क्वालिटी, द फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्टिंग द राइट वाटर प्यूरीफायर फॉर योर होम इज टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ ए टैप वाटर। ये गलत, सही लिखा है, लेकिन ये लिखने के बाद ये लोगों ने कौन सा बेसिस पे 10 वाटर प्यूरीफायर बेस्ट बोल के चुना है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक एक जगह आप बोलते हैं कि आप आर ओ वाटर प्यूरीफायर लो, ये सबसे बेस्ट है, और नीचे लिखते हैं कि ये 500 की TDS के नीचे है तो ये मत लो, वो मत लो, वैसे भी लिखा है। लेकिन ये लोग कौन सा बेसिस के ऊपर ये 10 प्यूरीफायर को सिलेक्ट किया है वो नहीं लिखा है। ठीक है ना, इसके लिए आप हर टाइम गूगल गुरु के साथ जाके आप अपना मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए। इससे अच्छा आपके एरिया में जो भी वाटर प्यूरीफायर का कंसल्टेंट रहता है उनको कॉल कीजिए, उनको आप ये TDS लेवल बता दीजिए, ये जो बताया ना पहले वाला पॉइंट, ये TDS लेवल बता दीजिए, उसकी हिसाब से आप वाटर प्यूरीफायर परचेज कीजिए। अभी इनकी हिसाब से 1000 TDS के नीचे तो आपको RO वाटर प्यूरीफायर लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर विद TDS लेवल ग्रेटर देन 1000 mg बिकम्स इंक्रीजिबली अनपैलेटेबल एंड अनसेफ। ठीक है ना, उस तब आपको RO का जरूरत रहता है, उसके पहले RO का जरूरत नहीं। तो RO के बदले में हम कौन सा वाटर प्यूरीफायर लेना चाहिए, उसके लिए आपको ये कोई वाटर प्यूरीफायर कंसल्टेंट ही बता सकता है। इसके लिए आप ये गूगल गुरु को ज़्यादा डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको सही आंसर नहीं मिलता है। इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है तो ऐड देख के चलाते हैं, तो और ये आर्टिकल आप देखते हैं आपको समझ में आता रहेगा कि 10 से 10 प्रोडक्ट आपको RO ही बता रहा है। RO में सबसे अच्छा कौन सा ऐसे पूछेगा तो ये सही रिसर्च रहेगा, लेकिन वाटर प्यूरीफायर कौन सा बोलेगा तो RO नहीं होता है। ठीक है ना, अभी RO वाटर प्यूरीफायर आप 1000 TDS के नीचे लगाएंगे तो पानी के अंदर का सब मिनरल्स निकाल देते हैं। जब पानी के अंदर सब मिनरल्स निकल गया तो वाटर प्यूरीफायर कैसा अच्छा हो गया। ठीक है ना, इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो मैंने वीडियो आपको जानकारी के लिए बनाया है आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपको लाइक कीजिए और आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नया नया वीडियो बनाने के लिए मेरे को इनक्रेज कीजिए। धन्यवाद आपकी।